अब देखिए, हरियाणा में जल्द ही नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। 15 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है, ऐसी खबरें हैं। सीएम के साथ कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हरियाणा में बीजेपी डेप्यूटी सीएम नहीं बनाएगी, ये बात भी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। यानी कि डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले पर सहमति भारतीय जनता पार्टी में नहीं बनी है, इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। तो जल्द ही नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा में होगा। 15 अक्टूबर को ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ऐसी खबरें हैं। इसके अलावा सीएम के साथ कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे और डेप्यूटी सीएम इस वक्त इस बार नहीं बनाया जाएगा, ये भी जानकारी है। विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। रवि, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, तारीख जो है 15 अक्टूबर की मानी जा रही है कि शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, और क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, संभावना जताई जा रही है कि 15 अक्टूबर को कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह जो भारतीय जनता पार्टी का वो हो सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं और पंचकुला में कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो सृष्टि, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के तमाम जो वासी हैं, हरियाणा के तमाम जो लोग हैं, उनको ओपन इन्विटेशन जो है वो भेजा जाएगा, यानी कि खुला निमंत्रण भेजा जाएगा। जो भी व्यक्ति इस शपथ ग्रहण समारोह में आना चाहता है उसके लिए व्यवस्थाएं भी की जाएंगी और उसके लिए तमाम चीजें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा की बात की जाए फिर, या फिर उनको जो भी सुविधा चाहिए उस प्रकार की शपथ ग्रहण समारोह तक पहुंचने के लिए, वो तमाम सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करी जाएंगी। करीब 50,000 के आसपास लोग पहुंचने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है कि 50,000 लोगों की उपस्थिति में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नायब सिंह सैनी जो है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो श्रेष्ठ, पहले चर्चा ये भी चल रही थी कि उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। अब हालांकि इस पे संशय जो है वो बना हुआ है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है तो सहमति उप मुख्यमंत्री को लेकर नहीं बनी है। शीर्ष नेतृत्व के सामने ये तमाम चीजें रखी गई थी, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार डेप्यूटी सीएम जो है वो प्रदेश में नहीं बनाया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की जानकारी भी रवि सामने आ रही है। और अगर माना जाए, क्योंकि मंत्रिमंडल की जब बात हो रही थी शपथ ग्रहण, तमाम कुछ मंत्री भी ले सकते हैं, उसको अगर समझा जाए रवि, कहा जा रहा है कि नए चेहरों को इस बार जगह मिलेगी। बिल्कुल सृष्टि, निश्चित तौर पर नए चेहरों को जगह मिल सकती है और नए चेहरे वो काफी प्रभावी रहे हैं। इस चुनाव की अगर बात की जाए तो इस चुनाव में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, तो उन तमाम चेहरों को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी पार्टी जो है वो करने वाली है, किस क्षेत्र में किस विधायक की परफॉर्मेंस कैसी रही है, आने वाले समय में जब भी कोई चुनाव होगा, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, राज्यसभा चुनाव की बात करें या फिर स्थानीय चुनाव जो भी होते हैं उनकी बात करें, तो उनमें किस प्रकार से उस नेता की भूमिका रह सकती है, किस प्रकार से वो अपने क्षेत्र में लोगों को साथ जोड़ सकता है, ये तमाम चीजें जो है वो देखी जाएंगी। इसके साथ साथ आज बात की जाए तो तमाम जो कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं वो सीनियर्स लीडर्स तो हैं ही, उनके साथ साथ कुछ युवा चेहरे हैं। सोशल इंजीनियरिंग इस नाते भी की जाएगी कि किस समुदाय से है और किस समुदाय के कितने प्रतिशत वोट प्रदेश में है, उस समुदाय से कितने जो विधायक उनको मंत्री मंडल में शामिल किया जाए, तो ये तमाम चीजें बीजेपी की तरफ से देखी जाएंगी। हालांकि कुछ संभावित जो नाम है वो हरियाणा न्यूज के पास हैं। अगर सबसे पहली बात की जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनेंगे, उनकी अध्यक्षता में सरकार चलेगी, तमाम मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। ब्राह्मण समाज की अगर बात की जाए तो चार मुख्य तौर पर चार नाम जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं जो ब्राह्मण समाज में है और अच्छे खासे जो अपना कद है उनका राजनीति में रहा है। मूलचंद शर्मा है, अरविंद शर्मा है, रामकुमार गौतम है और मुकेश शर्मा गुड़गांव। हालांकि इनमें से जो चीजें निकल करके सामने आई, दो ही लोगों को ब्राह्मण समाज से जो है वो मंत्री मंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रणबीर गंगवा नलवा से वो विधायक थे और इस बार उनकी सीट जो है वो बदली गई, बरवाला उनको भेजा गया और बरवाला से वो चुनाव जीत करके आए हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं विधानसभा के। इस बार उनको मौका दिया जा सकता है, उनका प्रमोशन हो सकता है या फिर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।
प्रमोशन में मेरा अर्थ ये है कि डेप्यूटी स्पीकर से उनको स्पीकर के पद पर भी बैठाया जा सकता है। हाँ। ये भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। राजपूत समाज की बात की जाए तो श्याम सिंह राणा हैं, वो चुनाव जीत करके आए हैं। हालांकि पिछले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिली थी, उनकी टिकट कट गई थी। इस बार दोबारा से एन चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और टिकट मिली और जीत करके आए, तो उन पर भी दाव जो है भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है। पंजाबी समुदाय की अगर बात की जाए तो अनिल विज हैं, जगमोहन आनंद हैं, ये दो हैं। अनिल विज सीनियर लीडर हैं, 6 बार के विधायक हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भी बड़ा जो मंत्रालय है वो मिल सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर, ये लगभग इनका जो है वो फाइनल है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा और भी है कि अनिल विज को डेप्यूटी, माफ कीजिएगा, अनिल विज को स्पीकर जो है वो भी बनाया जा सकता है, इस प्रकार की भी चर्चाएं हैं। हालांकि ये तमाम चीजें बाद में क्लियर होंगी जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, उस हिसाब से किस प्रकार से उनको शपथ दिलाई जाती है तो वो भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति की बात की जाए तो कृष्णलाल पवार हैं, इस राणा से जो है वो चुन करके आए हैं। कृष्ण बेदी हैं, वो नरवाना से चुन करके आए हैं। दोनों ही पहले मंत्री रह चुके हैं, 2014 की सरकार में दोनों मंत्री रह चुके हैं। और जो कृष्णलाल पवार हैं, हाल ही में राज्यसभा सांसद थे, वो कहीं ना कहीं उनको मौका दिया गया, चुनाव लड़े और जीत करके आए हैं, पार्टी को भरोसा है उन पर, उनकी काबिलियत पर, उनको उसका नाम जो है और इन पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो किस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आती है। फिलहाल के लिए रवि बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो देखिए 15 अक्टूबर ये वो तारीख बताई जा रही है जब नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी। और अब देखने वाली बात होगी क्योंकि 15 अक्टूबर तारीख बताई गई है, तो जब शपथ ग्रहण अगर होता है इस दिन तो कौन कौन से चेहरे जो हैं मंत्री पद की शपथ लेते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा।